न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोरोना जनित संकट को अवसर में बदलने के लिए क्या योगी सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 20 लाख प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के साथ ही उनको रोजगार देने के लिए कार्ययोजना तैयार। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए सभी संभावित क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के साथ सुरक्षा भी मुहैया कराएगी योगी सरकार। बेलीपार क्षेत्र के भरवल गांव का रहने वाला मुंबई से आया 23 साल का युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 4। जिलाधिकारी केवीएन पांडे ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही कोरोना से बचाव और इलाज की तैयारियों की समीक्षा। कहा इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं, तय होगी सभी की जवाबदेही। एम्बुलेंस द्वारा मुंबई से गोरखपुर मरीज के साथ घर पहुंचे 5 व्यक्तियों में से एक निकला कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य महकमा हुआ पूरी तरह से अलर्ट। साथ आए बाकी लोगों को नंदा नगर में बने क्वारंटाइन सेंटर में किया गया क्वारंटाइन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शनिवार को सूरत से 1150 मजदूरों को लेकर गोरखपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम की बसों से उनको गंतव्य तक किया गया रवाना। श्रमिकों ने योगी सरकार को बताया सबसे बेस्ट सरकार। छेड़खानी करने के विरोध में सिपाही पुत्र ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की ईंट से कूच कर की हत्या। गांव में मची सनसनी। आरोपी चढ़े चौरी चौरा पुलिस के हत्थे। शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा पुलिस ने। डीएम और एसएसपी ने किया पूर्वांचल डेंटल कॉलेज एवं जिले के बॉर्डर कसरवल स्थित बैरियर का निरीक्षण। कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में अन्य जिलों और अन्य राज्यों के फंसे लोगों से प्राप्त हुए 50,000 ऑनलाइन आवेदन। एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। लोगों से की अपील, ऑनलाइन आवेदन के बाद नहीं है कार्यालय आने की आवश्यकता। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में शनिवार को भी देहात और शहर में दिखी चहल पहल। एसपी सिटी ने लोगों से की अपील, निर्धारित समय के दौरान ही निकले घरों से, बिना आवश्यकता निकलने वाले लोगों का होगा चालान।